गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं ज़फ़र कुबार और देखने जा रहे हैं एपिसोड 30 का पहला पार्ट। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। सावधान सावधान अयोध्यापति सूर्यवंशी राजा रामचंद्र पधार रहे हैं। राजा राम राजा रामचंद्र जी लो वो आ गए। ये लक्ष्मण भैया क्या कह रहे हैं? हाँ देवी, महाराज की आज्ञा है कि कल सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र में श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक किया जाएगा। महारानी सीता को उनके वाम भाग में राज सिंहासन पर विराजमान किया जाए। परंतु ये सब इतनी जल्दी क्यों? हाँ सीते, मैं भी यही सोचता हूँ, इतनी जल्दी क्यों? मुझे ये सब उचित नहीं लग रहा। इसमें अनुचित क्या है भैया? प्रथम तो ये कि हम चारों भाई एक साथ जन्मे, बड़े हुए, एक साथ हमारे विवाह हुए। सही बात। फिर ये राज्याभिषेक केवल एक भाई का क्यों? क्योंकि राज की यही परंपरा है, जिस भ्राता ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। दूसरी बात ये कि भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं है, उनके बिना ये उत्सव हमें नहीं भाता। कोई उमंग कोई उत्साह मन में नहीं है। उत्साह और उमंग तो जनता के मन में जो उमड़ रही है वो देखने योग्य है। जहां जहां डोंडी पीटी जाती है वहां लोग खुशी से पागल हुए जा रहे हैं। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से और समस्त प्रजाजनों की सम्मति से श्री दशरथ जी कल अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे। कल सूर्योदय होते ही राज युवक श्री रामचंद्र जी को कुल गुरु वशिष्ठ जी सूर्य वंश का राज्य मुकुट पहनाकर उनका राज्य तिलक करेंगे। समस्त प्रजाजनों को महाराज की ओर से बधाई का निमंत्रण है। मजा आएगा। ये वापस कर रहा हूँ। अरे जाएगा अल्पत मोहन के पीछे चलिए हो सकते हैं मीटर क्या है। ओह
ओ तेरी खैर वो मन प्राप्त जंग लड़ रही है है तेरे आग की तरफ निकल जा बोल क्या आए आए ऐसे में साध वालों के पास रहता है वो ये यार सब इसको ले के जाए मगा रही है हाँ सीधे भैया भाभी अयोध्या की गंज गई चौक चौक में मैं घूम कर आया हूँ नगर के किसी भी कोने में अंधेरे के लिए कोई स्थान नहीं हाँ जी राजमहल को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है अच्छा देखो 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 भैया पता नहीं कितने दीप जलाए हुए हैं इससे पता लगता है प्रजा आपको कितना प्यार करती है लक्ष्मण प्रजा का ये जो इतना प्यार है इस प्यार का पात्र बनना बड़ा कठिन कार्य है मुझे तो लगता है मेरे जीवन की कठिनतम परीक्षा का समय आ रहा है प्यार का मूल्य चुकाना पड़ता है लक्ष्मण छेड़ रही है जान के ना अरे खुबड़ी दिखता नहीं है क्या आंखें भी फूट गई है अमंगल करने सामने आ गई अरे खुबड़ी क्यों भबक रही है आज तो हंसी और खुशी का दिन है काय की खुशी अरे बुढ़िया आज हमारे राम राजा बनेंगे राजा अरे चल ये तो रोती ही रहेगी राम राजा बनेगा अरे घी तो दुगड़ा है सांप लौट रहा है छाती पर सांप ओ यार माय गॉड जानी देखो इसकी बात ये लो महारानी की नहीं कह मेरे राम की मंगल कामना करो महारानी जी की जय हो अरे मेरी नहीं मेरे राम की जय बोलो ये मंथरा जाने कहाँ रह गई आ गई है बस थोड़ा वेट ये मरी ऐसे ही करती है मरी अरे करमजली आई तो सही कहाँ मर गई थी तू देख तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था ला मैं स्वयं इसे अपने हाथों तुझे पहना दूं मेरी मंथरा मणि मारा गले से मत डालो रानी गला काट कर फेंक दो जिससे तुम्हारे पूरे दिन अपनी आंखों से ना देखूं चुप रह न जाने क्या पकड़ करती है बुरे दिन आए मेरे बैरियों के क्या मंथरा तेरी ये दशा क्यों हो रही है क्या हुआ है तुझे तेरी ये मंथरा के अंदर जो है कोई नहीं जानता यार क्योंकि वो जब से उन्होंने सुना है ना ये राम जी राजा बनने लगे हैं तब से मंथरा का जो है ना एक दम से पूरा बुरा हाल हो चुका है पूरा बुरा हाल है लेकिन हाँ पूरा पूरा यार है पूरा हाल हो चुका हाँ
लेकिन पूरा बुरा यार कंप्लीट हाल जो है ना वो बुरे हो चुके हैं यार उसके। और दूसरी तरफ लक्ष्मण जी आकर उन्होंने एक सीता जी को एक इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ना खुश हो रही थी। नहीं बाकी यार एक प्रजा पर आए ना तो प्रजा काफ़ी खुशियाँ मना रही हैं क्योंकि हर तरफ एक भाई दिए जला रहे हैं और लोग वेट कर रहे हैं कि एक कब भाई एक, क्योंकि ये एक मतलब कि एक सुनकर ही उनको काफ़ी खुशी हुई है। अभी तो भाई राजा बनेंगे राम जी जय फिर जाकर देखेंगे, लेकिन अभी लोगों के अंदर देखो कितनी खुशी है और कितने लोग मतलब कि अपना वेट कर रहे हैं जोश के साथ के कब ये दिन आए और हम एक देखें भाई राम जी को राजा बने हुए। नहीं ऐसे ही है लेकिन आप देख लो कि दूर दूर से लोग एक आ रहे हैं और मतलब कितने वो मतलब खुश भी हैं और जिस तरह वो आपने नो में देखा कितने एक जोश के साथ आ रहा था। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो लग रहा है ना एक मसला क्रिएट होगा ना वो एक भाई इधर मंथरा की तरफ से होगा, जिस तरह वो एक गुस्से से आई है वो उस वक्त सुन रही थी उधर प्रजा के अंदर लेकिन उस वक्त उसको होश नहीं रहा कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, ऐसे एक जो है ना वो लड़ती लड़ाती इधर पहुंच गई है। लेकिन अब देखो आगे क्या करती हैं ये। बिल्कुल माँ रानी जी ने तो उनके लिए तो यार काफ़ी एक सोने का हार निकाला था इतना प्यारा, लेकिन वो तो बोरी मेरा गले काट दो आंखें ना देख सके आपको, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।